नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार है। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण नियम 2024 अधिसूचित किए गए। भारत में ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी GNSS आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन ETC सिस्टम शुरू किया जा सकता है। बोतल बंद पानी के एक ब्रांड बिस्लेरी ने कार्बन क्रेडिट की तर्ज पर वाटर क्रेडिट शुरू करने का प्रस्ताव किया। प्रतिनिधित्व और वन संरक्षण भारत के अनुसूचित क्षेत्रों से साक्ष्य शीर्षक से पेसा PESA एक्ट पर एक अध्ययन प्रकाशित हुआ। विद्युत क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए CDRI ने पॉलिसी ब्रीफ जारी किया। WHO ने वैश्विक ट्रांस फैट उन्मूलन पर 5-ईयर माइलस्टोन रिपोर्ट जारी की। चलिए अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुक करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण नियम 2024 अधिसूचित किए गए। इन नियमों को केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने अधिसूचित किया है। इन नियमों को लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के तहत अधिसूचित किया गया है। ये नियम 21 जून 2024 से लागू हो गए हैं। आइए खबर के शुरुआत में मुख्य नियमों पर एक नजर डालते हैं। यदि लोक परीक्षा के संचालन में अनुचित साधनों के उपयोग या अपराध का प्रथम दृष्टया मामला सामने आता है तो परीक्षा केंद्र प्रभारी FIR दर्ज कराने सहित उचित कार्रवाई कर सकता है। इसके अलावा यदि अनुचित साधनों के उपयोग में सेवा प्रदाता के प्रबंधन या निदेशक मंडल की संलिप्तता है तो लोक परीक्षा प्राधिकरण एक समिति गठित करेगा। गौरतलब है कि सेवा प्रदाता कोई भी एजेंसी, संगठन, निकाय, व्यक्तियों का संघ, व्यवसायिक इकाई आदि हो सकता है, जिसे लोक परीक्षा प्राधिकरण ने लोक परीक्षा के संचालन के लिए नियुक्त किया है। इसके साथ ही क्षेत्रीय अधिकारी लोक परीक्षा के संचालन में अनुचित साधनों के उपयोग या अपराध की सभी घटनाओं की लोक परीक्षा प्राधिकरण को रिपोर्ट करेगा। साथ ही उसने इस मामले में जो भी कार्रवाई की है उनकी भी प्राधिकरण को रिपोर्ट करेगा। अब लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। अनुचित साधनों में कई बातें शामिल हैं, जैसे प्रश्न पत्र या उत्तर कुंजी तक अनाधिकृत पहुंच या उन्हें लीक किया जाना, लोक परीक्षा के दौरान किसी अभ्यर्थी की सहायता करना, कंप्यूटर नेटवर्क या संसाधनों से छेड़छाड़ करना, फर्जी परीक्षा आयोजित करना आदि। आइए अब दंड के बारे में संक्षिप्त में जान लेते हैं। अनुचित साधनों का सहारा लेने वाले व्यक्ति के लिए दंड, कम से कम 3 साल की कैद, जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है, और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना है। संगठित अपराध करने वाले सेवा प्रदाता या किसी व्यक्ति या समूह के लिए दंड, 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और परीक्षा आयोजन की लागत भी उससे वसूल की जाएगी। सभी अपराध संज्ञेय, गैर जमानती और गैर शमनीय यानी नॉन कंपाउंडेबल होंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले मुख्य खबर की तरफ। भारत में ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी GNSS आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन ETC सिस्टम शुरू किया जा सकता है। आपको बता दें, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मौजूदा फास्टैग इकोसिस्टम के तहत GNSS आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन प्रणाली लागू करने की योजना बना रहा है। आरंभ में इसमें हाइब्रिड मॉडल का इस्तेमाल किया जाएगा। इस मॉडल के तहत GNSS आधारित टोल कलेक्शन और RFID आधारित टोल कलेक्शन दोनों एक साथ काम करेंगे। फास्टैग आधारित वर्तमान इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन प्रणाली रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी RFID आधारित है। यह प्रणाली राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन कार्यक्रम का हिस्सा है। चलिए GNSS आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन के बारे में समझते हैं। यह बाधा रहित इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन प्रणाली है। इस प्रणाली में टोल वाले हाईवे पर वाहन की गति को ट्रैक करने और वाहन द्वारा तय की गई दूरी के आधार पर टोल की गणना करने के लिए सैटेलाइट्स या सैटेलाइट समूह का उपयोग किया जाता है। इसके कार्य प्रणाली की बात करें तो टोल प्लाजा स्टेशनरी एनफोर्समेंट गैंट्री के रूप में कार्य करेगा। यह GNSS आधारित वाहनों की पहचान कर सकेगा। एक केंद्रीकृत टोल चार्जर GNSS सेक्शन पर यात्रा करने वाले GNSS
आधारित वाहनों द्वारा तय की गई दूरी और टोल गणना का काम करेगा। टोल चार्जर GNSS वाहनों पर लगी ऑन बोर्ड यूनिट यानी OBU से GNSS वाहनों द्वारा तय की गई दूरी और दर्ज समय प्राप्त करेगा। आपको बता दें, ऑन बोर्ड यूनिट्स को जारी करने वाली संस्थाओं द्वारा इसे टोल चार्जर के साथ जोड़ा जाएगा। यह ठीक उसी तरह है जैसे कि फास्टैग जारी करने वाले बैंक वाहनों को इससे जोड़ते हैं। साथ ही भुगतान तंत्र फास्टैग प्रणाली के समान होगा। अंत में GNSS आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन का महत्व समझ लेते हैं। यह बाधा रहित स्वतंत्र आवाजाही वाली टोलिंग प्रणाली होगी तथा तय की गई दूरी के आधार पर टोल कलेक्शन किया जाएगा। इससे टोल प्लाजा पर भीड़भाड़ या ट्रैफिक जाम में कमी होगी। इससे टोल संग्रह में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने और टोल चुकाने से बचने के तरीकों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। यह टोल संग्रहण प्रणालियों का वैश्विक मानकों के अनुरूप आधुनिकीकरण करेगा। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की तरफ। बोतल बंद पानी के एक ब्रांड बिस्लेरी ने कार्बन क्रेडिट की तर्ज पर वाटर क्रेडिट शुरू करने का प्रस्ताव किया। बिस्लेरी ने वाटर क्रेडिट की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए टेरी स्कूल ऑफ एडवांस्ड स्टडीज के साथ साझेदारी की है। वह अपने अध्ययन के निष्कर्षों को सरकार के साथ साझा करेगा। इस अध्ययन के आधार पर सरकार बेवरेज उद्योग के लिए वाटर क्रेडिट फ्रेमवर्क तैयार कर सकती है। वाटर क्रेडिट के बारे में बात करें तो यह कार्बन क्रेडिट के ही समान एक बाजार आधारित तंत्र है। इसके तहत जल संरक्षण और जल की गुणवत्ता में सुधार करने वालों को प्रोत्साहित किया जाएगा। आपको बता दें कि ऐसी परियोजनाओं को कार्बन क्रेडिट्स दिया जाता है जिनसे कम कार्बन उत्सर्जन हुआ है या उत्पन्न ही नहीं हुआ है या उत्सर्जित कार्बन को हटा दिया गया है। गौरतलब है कि एक कार्बन क्रेडिट एक प्रकार का व्यापार योग्य परमिट होता है। यह वायुमंडल से हटाए गए, कम किए गए या अलग करके संचित किए गए एक टन कार्बन डाइऑक्साइड या समान ग्लोबल वार्मिंग क्षमता वाली अन्य ग्रीन हाउस गैस की मात्रा के बराबर होता है। इसके अलावा वाटर क्रेडिट के तहत व्यक्ति और संस्थाएं जल बचत उपायों को अपनाकर वाटर क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं और उसका लेन देन कर सकते हैं। इसके साथ ही इन वाटर क्रेडिट्स को उन लोगों को बेचा जा सकता है जो जल की अधिक खपत की भरपाई करने या अपनी जल प्रबंधन व्यवस्थाओं में सुधार करने के इच्छुक हैं। आइए अब वाटर क्रेडिट का महत्व क्या है इस बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इससे जल संकट की स्थिति का समाधान किया जा सकता है। साथ ही स्वच्छ जल और स्वच्छता से संबंधित सतत विकास लक्ष्य 6 को प्राप्त करने में भी मदद मिल सकती है। गौरतलब है कि एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2025 तक 15 प्रमुख नदी घाटियों में से 11 में जल की कमी हो जाएगी। यह कृषि से जुड़े कार्यों में जल उपयोग दक्षता में वृद्धि करेगा। ज्ञातव्य है कि भारत में भूजल का सर्वाधिक उपयोग कृषि कार्यों में ही किया जाता है। इसके अलावा यह संधारणीय जल प्रबंधन कार्यों में निवेश बढ़ाएगा। अब खबर में आगे बढ़ते हैं और वाटर क्रेडिट प्रणाली लागू करने में जो चुनौतियां हैं उस बारे में चर्चा कर लेते हैं। कार्बन उत्सर्जन कम करने के प्रयासों और जल बचत के उपायों में अंतर है। जल की बचत के लिए स्थानीय स्तर पर कदम उठाने होंगे। साथ ही वर्षा और वाटरशेड स्तर की जल की खपत जैसे पहलुओं को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। इसके अलावा वाटर क्रेडिट्स के लेन देन स्थानीय स्तर पर ही हो सकते हैं। ऐसा इस कारण क्योंकि ये जल स्रोतों या जल उपलब्धता वाले क्षेत्रों तक ही सीमित होंगे। इसके साथ ही बड़ी कंपनियों को वाटर क्रेडिट्स बाजार पर हावी होने से रोकना भी चुनौती भरा काम होगा। खबर के अंत में वाटर क्रेडिट प्रणाली अपनाने के संभावित तरीकों के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। मुक्त बाजार व्यवस्था बनाने और इसके सफलतापूर्वक प्रबंधन के लिए एक विनियामक संस्था गठित की जा सकती है। इसके अलावा मल्टीप्लेयर अप्रोच अपनाई जानी चाहिए। उदाहरण के लिए उद्योग जगत जल की अधिक आपूर्ति वाली नगर पालिकाओं से वाटर क्रेडिट्स खरीद सकता है। इससे नगर पालिकाओं को फंड की कमी की समस्या का समाधान करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही जल के व्यापार के लिए रोड मैप बनाने हेतु विश्व के सर्वोत्तम उदाहरणों को अपनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया में मर्रे डार्लिंग बेसिन के बाजारों में जल का व्यापार किया जाता है। इस व्यापार से किसानों को जल का अधिक दक्षतापूर्ण उपयोग करने में मदद मिली है। चलिए बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। प्रतिनिधित्व और वन संरक्षण
भारत के अनुसूचित क्षेत्रों से साक्षी शीर्षक से पेसा यानी PESA एक्ट पर एक अध्ययन प्रकाशित हुआ। यह अध्ययन अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस रिव्यू जर्नल में प्रकाशित हुआ है। इस अध्ययन में पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम पेसा 1996 के प्रभावों का मूल्यांकन किया गया है। पेसा अधिनियम के जरिए संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत आने वाले अनुसूचित क्षेत्रों पर पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 9 के प्रावधानों को लागू किया गया है। 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले अनुसूचित क्षेत्र जिला ब्लॉक या तालुका जैसी व्यवहार्य प्रशासनिक इकाई वाले आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्र हैं। इनमें जनजातीय आबादी की बहुलता होती है। चलिए खबर की शुरुआत करते हैं और पेसा अधिनियम के बारे में समझते हैं। पेसा कानून प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन और संरक्षण के लिए ग्राम सभा की स्थापना का प्रावधान करता है। इसके तहत ग्राम सभा को लघु वनोपज पर अधिकार सुनिश्चित करने और जनजातियों को भूमि वापस करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसके तहत निर्वाचन वाले पदों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अतः सभी अध्यक्ष पदों के साथ साथ प्रत्येक स्थानीय सरकारी परिषदों में कम से कम आधी सीटें अनुसूचित जनजातियों यानी STs के लिए आरक्षित होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और इस अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। पेसा के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने से प्रतिवर्ष वृक्षावरण में औसतन 3% की वृद्धि हुई है और वनों की कटाई कम हुई है। गैर अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं करने वाले 73वें संविधान संशोधन और वन अधिकार अधिनियम 2006 का वन संरक्षण पर कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है। आपको बता दें, वन संरक्षण में अनुसूचित जनजातियों के पास वनों की रक्षा करने के लिए आर्थिक वजह है, क्योंकि उनकी आजीविका गैर कास्ट वनोपज पर आधारित है। इसके कारण वनों के समग्र स्वास्थ्य में सुधार होता है। खनन के विरोध की बात करें तो अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के कारण खनन परियोजनाओं का विरोध करने की घटनाएं बढ़ी हैं। अंत में वन संरक्षण में सुधार के लिए की गई सिफारिशें भी जानते हैं। हाशिए पर रहने वाली आबादी के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व को अनिवार्य किया जाना चाहिए। इस संस्थागत व्यवस्था से वन संरक्षण संबंधी प्रयासों में सुधार लाया जा सकता है। अलग अलग सामुदायिक संसाधन प्रबंधन संस्थानों की बजाय समावेशी बहुउद्देशीय ग्राम परिषदों जैसी अम्ब्रेला संस्थाओं को शक्ति प्रदान करनी चाहिए। इससे वन प्रबंधन एवं विकास और बेहतर ढंग से हो सकता है। आइए अब रुक करते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। विद्युत क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए CDRI ने पॉलिसी ब्रीफ जारी किया। यह पॉलिसी ब्रीफ आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन CDRI ने जारी की है। इसका उद्देश्य चक्रवात और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए आपदा रोधी रणनीतियां बनाने पर विचार करना है। इस पॉलिसी ब्रीफ में ओडिशा द्वारा किए गए उपायों की विशेष चर्चा की गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपदा रोधी यानी डिजास्टर रेजिलियंस का अर्थ है आपदा जोखिमों का पूर्वानुमान लगाना, उनसे निपटने के लिए योजना बनाना और उन्हें कम करना। इन उपायों से व्यक्तियों, समुदायों एवं देश तथा उनकी आजीविका, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक आर्थिक परिसंपत्तियों और पारिस्थितिकी तंत्रों की प्रभावी रूप से रक्षा की जा सकती है। ओडिशा की पारेषण और वितरण यानी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन TND अवसंरचना पर पॉलिसी ब्रीफ की टिप्पणी की बात करें तो राज्य में 80% बिजली के खंभे पवन की तेज गति का सामना नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा बिजली आपूर्ति वाली 75% लाइनें चक्रवाती हवाओं का सामना नहीं कर सकती हैं। देश के अन्य तटीय राज्यों में भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। आइए खबर में आगे बढ़ते हैं और पॉलिसी ब्रीफ में की गई मुख्य नीतिगत सिफारिशों के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। पहली सिफारिश है पवन की गति के आधार पर क्षेत्रों के लिए कोड और मानकों में सुधार करना। पवन की गति आधारित क्षेत्र मानचित्र को हमेशा अपडेट करते रहना चाहिए। इसमें सबसे हालिया डेटा और स्थानीय मौसम संबंधी डेटा दर्शाए जाने चाहिए। दूसरी है जलवायु परिवर्तन से जुड़े जोखिमों जैसे बाढ़, वनाग्नि इत्यादि से होने वाले नुकसानों पर डेटा एक्सेस प्लेटफॉर्म का निर्माण। ये प्लेटफॉर्म आपदा प्रबंधन एजेंसियों के साथ सीधे संचार स्थापित करने और सहयोग बढ़ाने में मदद करेंगे। अगली है जोखिमों के आकलन पर आधारित गवर्नेंस। नीति निर्माण, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण से जुड़ी पहलों में आपदा रोधी घटक को शामिल करना चाहिए।
साथ ही जोखिम प्रबंधन में शामिल सभी एजेंसियों के बीच बेहतर सहयोग के लिए सभी क्षेत्रों को शामिल करने वाला फ्रेमवर्क तैयार करना चाहिए। और अंत में है वित्त पोषण के नवाचारी तरीके खोजना। बीमा, पुनर्बीमा, आपदा बॉन्ड यानी CAT फंड जुटाने के नए तरीके हो सकते हैं। इनके अलावा आपातकालीन वित्तीय जरूरतों को पूरा करने हेतु पावर यूटिलिटीज के लिए अनुदान घटक को शामिल किया जा सकता है आदि। खबर के अंत में आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन यानी CDRI के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसे भारत ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन 2019 में लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिमों को सहने लायक बनाने के लिए अवसंरचनाओं को मजबूत बनाने पर बल देना है। यह पहल वैश्विक साझेदारी पर आधारित है। इस साझेदारी में कई देश, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां, बहुपक्षीय विकास बैंक और निजी क्षेत्र शामिल हैं। इसके सदस्यों की बात करें तो इसमें 39 देश और 7 संगठन शामिल हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर की ओर। WHO ने वैश्विक ट्रांस फैट उन्मूलन पर 5-ईयर माइलस्टोन रिपोर्ट जारी की। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की 5-ईयर माइलस्टोन रिपोर्ट 2023 तक ट्रांस फैट उन्मूलन की दिशा में हुई प्रगति का विश्लेषण करती है। WHO की यह रिपोर्ट ट्रांस फैटी एसिड के लोक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को उजागर करती है। साथ ही ये औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैटी एसिड के वैश्विक उन्मूलन की दिशा में 5 वर्षों यानी 2018 से 2023 तक हुई प्रगति का सारांश प्रस्तुत करती है। चलिए सबसे पहले ट्रांस फैटी एसिड के बारे में विस्तार से समझते हैं। ट्रांस फैट या ट्रांस फैटी एसिड प्राकृतिक या औद्योगिक स्रोतों में पाए जाने वाले असंतृप्त वसायुक्त अम्ल होते हैं। औद्योगिक ट्रांस फैट को तरल वनस्पति तेलों में हाइड्रोजन मिलाकर बनाया जाता है ताकि उन्हें अधिक ठोस बनाया जा सके और खाद्य पदार्थों की शेल्फ लाइफ को बढ़ाया जा सके। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ट्रांस फैट जुगाली करने वाले पशुओं जैसे गाय, भेड़ आदि की आंत में पाया जाता है। यह भेड़, बकरी आदि के मांस और डेयरी खाद्य पदार्थों में भी प्राकृतिक रूप से पाया जा सकता है। WHO द्वारा तय पैमानों के अनुसार हमारा शरीर एक दिन में जितनी ऊर्जा ग्रहण करता है उसमें ट्रांस फैट की मात्रा 1% से भी कम होनी चाहिए। चलिए अब रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। पहला है ट्रांस फैट उन्मूलन के लिए WHO की सर्वोत्तम कार्य पद्धति नीतियों को 2023 के अंत तक 53 देशों में लागू किया गया था। इन देशों में वैश्विक आबादी का लगभग 40% निवास करता है। भारत में कोरोनरी हृदय रोग से होने वाली लगभग 4.63% मौतें ट्रांस फैटी एसिड के सेवन के कारण होती हैं। आगे बढ़ते हैं और रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें जानते हैं। उप क्षेत्रीय समूहों जैसे कैरिबियन समुदाय आदि को अनिवार्य ट्रांस फैटी एसिड उन्मूलन नीतियों को लागू करना चाहिए। ये नीतियां सदस्य देशों पर प्रत्यक्ष रूप से बाध्यकारी होनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ये समूह व्यापार और नीति कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। खाद्य पदार्थों के निर्माताओं को राष्ट्रीय नीतियों का अनुपालन करने के साथ साथ स्वेच्छा से भी अपने उत्पाद पोर्टफोलियो में से औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैटी एसिड को हटा देना चाहिए। खबर के अंत में ट्रांस फैटी एसिड के उन्मूलन के लिए आरंभ की गई पहले जान लेते हैं। सबसे पहले वैश्विक स्तर पर शुरू की गई पहले जानते हैं। इनमें से पहला है WHO का रिप्लेस एक्शन पैकेज। यह पैकेज औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैटी एसिड को खाद्य आपूर्ति से तीव्र, पूर्ण और संधारणीय रूप से समाप्त करने हेतु विश्व के समस्त देशों को एक रोडमैप प्रदान करता है। दूसरा है ट्रांस फैट उन्मूलन के लिए WHO सत्यापन कार्यक्रम। यह कार्यक्रम ट्रांस फैटी एसिड के उन्मूलन में नीतिगत प्रगति को बढ़ावा देता है और देश की उपलब्धि को मान्यता देता है। और भारत में शुरू की गई पहले भी जान लेते हैं। खाद्य सुरक्षा और मानक यानी बिक्री पर निषेध एवं प्रतिबंध दूसरा संशोधन विनियम 2021। इसके तहत तेल और वसा में ट्रांस फैटी एसिड की मात्रा को जनवरी 2021 तक कुल वसा की मात्रा का अधिकतम 3% और जनवरी 2022 से अधिकतम 2% निश्चित की गई है। ट्रांस फैट फ्री लोगो, इसे FSSAI ने ईट राइट इंडिया मूवमेंट के हिस्से के रूप में लॉन्च किया है। चलिए बात करते हैं सुर्खियों में रही व्यक्तित्व की। हमारी आज की व्यक्तित्व है सुचेता कृपलानी। आपको बता दें 25 जून को सुचेता कृपलानी की जयंती पर देशवासियों ने उन्हें याद किया। वे प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी और स्वतंत्र भारत में किसी प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थीं। वे 1963 से 1967 तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही थीं।
चलिए अब सुचेता कृपलानी जी के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। उनका जन्म हरियाणा के अंबाला जिले में हुआ था। वे एक भारतीय राजनीतिज्ञ और स्वतंत्रता सेनानी थीं। वे संविधान सभा की उन 15 प्रतिष्ठित महिलाओं में शामिल थीं जिन्हें संविधान का प्रारूप तैयार करना था। इनके प्रमुख योगदान की चर्चा करें तो वे 1940 में स्थापित अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की संस्थापक सदस्य थीं। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था और गिरफ्तारी से बचने के लिए भूमिगत होकर कार्य किया था। उन्होंने कई राहत गतिविधियों में भी भाग लिया था। उदाहरण के लिए 1934 में बिहार में भूकंप, 1946 में नोआखाली दंगे आदि। वे कई प्रतिनिधि मंडलों का भी हिस्सा थी, जैसे तुर्की के लिए संसदीय प्रतिनिधि मंडल 1954, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 1961, संयुक्त राष्ट्र महासभा 1949 के लिए प्रतिनिधि मंडल आदि। हम श्री सुचेता कृपलानी जी से साहस, देशभक्ति, नेतृत्व, करुणा जैसे जीवन मूल्य सीख सकते हैं। बुलेटिन के आखिर में अब रुक करते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। लद्दाख ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम या न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम NILP के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है। फंक्शनल लिटरेसी का अर्थ है व्यक्तिगत और सामुदायिक कार्य एवं विकास में साक्षरता कौशल का उपयोग करने की क्षमता। होपेक्स अभ्यास भारतीय वायुसेना और मिस्र की वायुसेना के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ICC ने युद्ध अपराधों के मामले में रूस के सेना अध्यक्ष और पूर्व रक्षा मंत्री के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। हाल ही में गठित 18वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन नामित किया गया। पिछले 10 वर्षों से किसी भी गैर सत्तारूढ़ दल के संसद सदस्य को लोकसभा में विपक्ष के नेता का दर्जा नहीं दिया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने मार्च 2024 के अंत तक भारत के विदेशी ऋण से संबंधित डेटा जारी किया है। वर्तमान में भारत का विदेशी ऋण 663.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। यह ऋण मार्च 2023 की तुलना में 39.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर अधिक है। बायोमास ब्रिकेट्स ऊर्जा और विद्युत उत्पादन क्षेत्र के लिए ईंधन के विकल्प के रूप में उभरे हैं। वर्तमान में बायोमास पेलेट्स का आमतौर पर कोयले के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कुछ विशेषज्ञों ने भोजन को उच्च तापमान पर गर्म करने और फिर उसे प्लास्टिक के कंटेनर्स में पैक करने के बारे में चिंता जाहिर की है। इसके चलते बिस्फेनॉल ए, फाथेलेट्स और स्टायरीन जैसे हानिकारक रसायन भोजन में मिल सकते हैं। चीन का चांगी 6 प्रोब चंद्रमा के फार साइड से पहली बार एकत्र किए गए नमूनों को सफलतापूर्वक पृथ्वी पर वापस लाया है। चंद्रमा का फार साइड चंद्रमा का वह गोलार्ध या हिस्सा है जो पृथ्वी से कभी दिखाई नहीं देता है, इसलिए इसे चंद्रमा का डार्क साइड भी कहा जाता है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए।